यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर भारत में कहर बरपाने के बाद तूफान एक बार फिर से लौट आया है और इस तूफान ने सोमवार रात दिल्ली में दस्तक दी, जिसकी रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है। एहतियातन के तौर पर दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तूफान के चलते होने वाले नुकसान से बचने के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा और मेरठ में कई स्कूल मंगलवार को बंद रखने के आदेश दे दिए गए। हरियाणा सरकार ने 7 और 8 मई के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित की थी। इस पर पीएमओ ने सवाल पूछा तो मौसम विभाग के डीडीजीएम देवेंद्र प्रधान ने बताया कि हरियाणा सरकार को स्कूल बंद करने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। हरियाणा के करीब 350 प्राइवेट और करीब 575 सरकारी स्कूल सोमवार को बंद रहे और मंगलवार को भी बंद रहेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में 5 राज्यों में आए आंधी तूफान ने करीब 124 लोगों की जान ले ली थी, जबकि 350 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे।